थैंक यू स्पीकर साहब, तुसी मैनू खास तौर पर सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स 2022-23 का तुसी मैनू टाइम दिता, मैं धन्यवादी हाँ। खास तौर पर बहुत ज़्यादा गल्लां तकरीबन सारिया हो चुकी है, पर एक गल चंगी आ भी असी एडे वड्डे, मैं इस गल का खुशी भी आ भी हिंदुस्तान साडा ब्रिटेन नू भी अगे निकलिया है, पर उत्थे अगे नाल नाल निकलिया, पर साडा जिहड़ा प्रधानमंत्री है ब्रिटेन दा, वह भी साडा हिंदुस्तानी बनिया है, चाहे नागरिक उत्थे दा है, मैं समझदा उतों बड़ी गल आ सर। पर सानू थोड़ा जिहा ठीक आ, देश दा इकनोमी बहुत मजबूत आ, चंगी आ, पर इह जे गल करी जाए पुराने साडी जिहड़ी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है उहदा भी बहुत बड़ा योगदान आ, उहनू हर कोई उस गल दी उहदी कदे कोई गल नहीं करदा सर। इह आखिर इन्ने सालों तो ये लगातार चलता आ रहा, ता ही अज देश इत्थे पहुंचे। मैं स्कीमां दी गल देख रहा सी, चाहे स्वच्छ भारत मिशन होवे, चाहे जनधन योजना होवे, मनरेगा होवे, आधार कार्ड होवे, आ सर 20-30 स्कीमां है जिहड़ियां सारियां दे, चाहे डायरैक्ट बेनीफिट ट्रांसफर होवे उहदा नाम बदल के, चाहे निर्माण भारत अभियान होवे, स्वच्छ भारत मिशन करता, नैशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन होवे उहदा दीनदयाल उपाध्याय योजना करता, प्राइम मिनिस्टर सर्च फैलो शिप साडा प्रोग्राम सी उहनू इन्हां ने बदल के, बहुत वड्डी मेरे को लिस्ट आ जिहड़ी नौ सारे बदल के इन्हां ने चेंज कीते। सर एक गल मैं कहना भी ये दूरदृष्टि की गल आ, ठीक है सप्लीमेंटरी बजट, पर इन्नी जरूरत क्यों पई? पर एक गल मैं इत्थे यह भी कहूँगा भी साडी इंडियन इकनोमी आ जिहड़ी उहनू बचाउण दे विच साडे जिहड़े त्यौहार ने सर, साल चलते रहिंदे आ, बड़े तो बड़े त्यौहार ने साडे मनाए जांदे आ, उहदे विच सर लोग बड़ा खुल के पैसा खर्च करते हैं, चाहे करोना रहा सर, बड़े तो बड़े विआह शादियां जिहड़ियां वैडिंग्स जिहनू कहिंदे आ, उह बड़े वड्डे पैमाने ते साडे खुशी नाल विआह वड्डे हुंदे आ, जिहदे विच हर दे मैं समझदा चाहे कोई टेंट वाला, चाहे कोई फ्रूट वाला, कोई सब्जी वाला, सब नूं उहदे विच बड़ा पैसा है जिहड़ा, चाहे होटल इंडस्ट्री आ उहनू इहदे विच पैसा जांदा, इकनोमी इहदे नाल बड़ी भारी साडी इहदे नाल जोंदी रहिंदी आ। जे मैं गल कहां सर किवें अपने पुराने लेडीज, चाहे मेरिया माँ चाहे दादी, किवें पैसे बचाउंदे सी, जदों भी उहनां नूं कोई कितों कोई, चाहे उहनां दी कमाई आई, चाहे कुछ अपनी गोलक छोटी जी, उहदे विच उह पैसे सांभ के रखदे सी, इकट्ठे करदे सी भी जदों लोड़ पवे, जदों कोई परिवार ते कोई ऐसी कमी आए तां उह गोलक चों जिहड़ियां लेडीज ने सर उह अपना पैसा कढ के वरत लैंदियां सी। इस तरीके नाल सानूं जरूर इह गल्लां भी याद रखणियां पैणियां भी इह छोटियां छोटियां गल्लां ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 103 ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡਾ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਸਰ 103 168th ਰੈਂਕ ਆ ਸਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 133ਵਾਂ ਸਰ ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 125ਵਾਂ ਸਰ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ, 51 ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਲੋਐਸਟ ਸਾਡਾ 180 ਰੈਂਕ ਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਧਿਆ ਕੁੱਲ ਸਰ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਸਰ 800 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ 100 ਬੰਦਾ ਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬੰਦੋਬਾਦਿਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਰਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ 2-3 ਸਰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਲਿਆਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 11.1
84 करोड़ फार्मर्स गॉट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सर पहली इंस्टॉलमेंट मिली है 2000 रुपए की, पर सर जो आ 11वीं इंस्टॉलमेंट तक आ गए अज सर 3.87 करोड़ फार्मर। कितने सर 11 करोड़ सर अज 3.87 करोड़ फार्मर्स से रह गए। जे मैं पंजाब की गल करा सर 51.54% ड्रॉप आ सर 51.54% ड्रॉप आ। इन्ना बड़ा ये जिहड़े बेनीफिशियरियां च किवें 11th इंस्टॉलमेंट च कमी आई ये बारे सर। अखीर सर एक गल होर, क्योंकि मैं पंजाब तो आना, 80,000 करोड़ रुपया सर ये होर एडिशनल एक्सपेंडिचर मंगया गया जिहड़ा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जा रहा। सर 80 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा, पर नाल दी नाल मैं ये गल भी कह दा सर FCI की जी रिपोर्ट आ सर साढ़े को किसी वेले 90.41 मीट्रिक टन जिहड़ा वो एक साल का साढ़े को सर भंडार पिया सी। वरिंग फैक्टर आ सर हुण घट हो के 60.11 मिलियन टन सर रह गया। ये की अगे असी आने वाले साल इनू दे सकेंगे एक राशन नू जां सिर्फ इलैक्शन। एक मिनट मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की गल कर ला कि इलैक्शन तक दे के इनू बंद करांगे ये जरूर सोचना। अखीरली सर मैं लुधियाने तो आना सर, ये बड़ी वड्डी गल आ भी उत्थे हौजरी की जिहड़ी सब तो वड ओ स्वैटर जो भी आप वार्मर्स पाने आ बहुत बड़ा नुकसान सर रशिया तो यूक्रेन की लड़ाई करके हौजरी नू सर होया। ते ओ तकरीबन जे कोविड तो बाद 20-25% लोगों की खरीद की भी कमी घट गई आ सर। ये स्पैशल कोई प्रबंध फाइनेंस मिनिस्टर करन। दूजा सर बाईसाइकिल इंडस्ट्री सर, वो हमेशा कहते रहे भी साडा जिहड़ा GST आ वह 12% तो घटा के 5% किया जाए। साइकिल इंडस्ट्री सर असी कहने आम आदमी का है, दोनों चीज़ा अगे ठंड आ रही है सियाल आ रहा, इंडस्ट्री भी चले गरीब आदमी का साइकिल भी होवे। सर अखीर एक गल मैं जरूर कह के इत्थे तुहाडों क्षमा खमा मंगागा सर, जिहड़ा सेंट्रल स्टेट कंबाइन सरफेशियल डेफिसिट आ वह सर सब तो लार्जेस्ट अमंग G20 सब तो वध आ सर 9.9 वह सर। इन्हां किसी ने किसी वेले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर सी जदों उन्होंने कहा कि 3-4 तो वध नहीं होना चाहिए, कितना पैसा बारो कर लेंगे कितना पैसा असी मंग लेंगे, ये सर जरूर बहुत ज्यादा है। सारिया जिहड़ा कंबाइन सेंटर स्टेट दा आखिरी सर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होवे चाहे वर्ल्ड बैंक होवे उन्होंने कहा अगले साल इदों भी खतरनाक हो सकता है, उस फाइनेंस मिनिस्टर नूं जरूर ध्यान देना चाहिए। स्पीकर साहब टाइम दिता तुसीं, मैं थोड़ा बहुत ही बहुत धन्यवादी हाँ। जय हिंद। प्रश्न काल के बाद शून्य काल